हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियर हाउस फैशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि हम घर पर ही जो फेशियल हेयर है उन्हें कैसे रिमूव करें और वो भी बिना किसी पेन के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेशियल हेयर घर पर ही कैसे रिमूव कर सकते हैं वो भी बिना किसी पेन के बहुत ही इजिली। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो मेरे पास है अभी वीट की फुल बॉडी वैक्सिंग किट और ये बहुत ही अच्छी है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। सो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके फेशियल हेयर वो यार नेचुरल है, आप ये मत समझो कि हमारे साथ है ऐसे यार अपर लिप्स पे यहाँ पे बाल आ रहे हैं, यहाँ पे बाल आ रहे हैं, वो तो कि यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पे बाल आ रहे हैं चिन एरिया में कि ऑकवर्ड लगता है, ये कुछ नहीं, वो नेचुरल है। आप कुछ ऐसा मत समझो, वो नेचुरल है बिल्कुल। और आप ये मत सोचो कि आप बहुतों को मैंने देखा है यार ये ऑकवर्ड लग रहा है यार ये ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये 99.9% वुमेन्स के साथ हो रहा है आज की डेट में। क्योंकि जो हमारा खाना पीना है वो आजकल अच्छा बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। पहले की डेट में जितना हेल्दी लोग खाते थे खाना, आज की डेट में नहीं खा रहे हैं वो आप सबको पता है। मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत जगह, आप ये लगाओ, आप चीनी लगाओ, शहद लगाओ, हल्दी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, उससे जो हेयर है वो ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके इंस्टेंटली हेयर गायब भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं यकीन करती इन सब चीज़ों पे, क्योंकि जब तक हम उन बालों को हटाएंगे नहीं तो वो हटेंगे कहाँ से। आप खुद सोचो, एक जेन्युइन सी बात है, आप खुद सोचो कैसे हट जाएंगे, नहीं हटेंगे ना। सो गाइस, इसका थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा वीट का, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी इसके फ़ायदे। सो ये मेरे पास अभी फुल बॉडी वैक्सिंग किट है। और हाँ, मैंने लोगों की थिंकिंग सुनी है कि आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करोगे तो आपके यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, आपके यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, आपके हाथ काले पड़ जाएंगे या डार्कनेस आ जाएगी। कहाँ, किस जगह लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा होता है? आपने देखा है कभी? मैंने नहीं देखा कभी, और मुझे पता है आप सबने भी किसी ने नहीं देखा होगा। ये बोलने की बातें होती है, एक बंदा बोल देता है पूरे में बात फैल जाती है, जो कि कितना गलत है। आप गलत किसी को इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? आप सही इन्फॉर्मेशन दो, क्यों किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? सो गाइज, मैं आपको बिल्कुल सही सही बातें बताऊंगी इसके बारे में। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी पे कि आप वीट यूज करोगे आपके हाथ काले पड़ जाएंगे या आपके अंडरआर्म्स काले पड़ जाएंगे, आपका फेस काला पड़ जाएगा। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। तो ये है वीट, एंड जैसे इस पर लिखा हुआ है इजी ग्रिप रेडी टू यूज वैक्सीन की रेडी टू यूज, आपको समझ में आ रहा होगा। फुल बॉडी वैक्सिंग किट है ये फॉर सेंसिटिव स्किन। आई थिंक इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें हमें 20 वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं। सो मेरे पास है अभी सेंसिटिव आलमंड ऑयल एंड विटामिन ई स्ट्रिप्स। और मेरे पास ये इसलिए है सेंसिटिव क्योंकि जो हमारा फेस होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं सेंसिटिव यूज़ कर रही हूँ और ये स्पेशली मैं फेस के लिए ही यूज़ करती हूँ। और इस पे एक चीज़ और मेंशन है, वर्क्स इवन ऑन शॉर्ट हेयर। और ये शॉर्ट हेयर लाइक इतने ज़रा से हेयर पे भी वर्क करती है, आप कभी यूज़ करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। सो गाइस, ये 170 रुपीज़ की आती है एंड मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया है। एंड जो इसकी स्ट्रिप्स हैं वो कुछ इस टाइप में आती है, मैं काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है और काफ़ी चल भी गई। और अभी मेरे पास इसकी 1, 2, 3, 4 स्ट्रिप्स बची हुई हैं। और 4 स्ट्रिप्स मतलब 4 नहीं बची हुई, 8 है एक्चुअली। आप इसे कुछ इस तरीके से हटाओगे तो ये एक नहीं है, ये 2 स्ट्रिप्स अटैच है एक साथ। एंड हम जब इसे यूज़ करते हैं लाइक हम इसे रब करना होता है उसके बाद यूज़ करना होता है। और मैं इसमें आपको बता देती हूँ इसमें और कौन कौन सी वीट आती है। सो एंजल्स इसमें एक नॉर्मल स्किन के लिए आती है, शी बटर एंड बेरी फॉर नॉर्मल स्किन। एंड सेकेंड है इसमें एलोवेरा एंड लोटस की आती है फॉर ड्राई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। एंड थर्ड आती है विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल फॉर सेंसिटिव स्किन, जो कि मैंने अपनी स्किन के लिए मंगा रखी है। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इस स्किन के लिए मंगा रहे हैं तो आप सेंसिटिव ही मंगाएं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और हम इसे अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बॉडी पे मंगा रहे हो तो लाइक आपकी ड्राई स्किन है तो आप एलोवेरा वाली ही मंगाएं, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। एंड शी बटर एंड बेरी वाली मंगाएं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो। सो ये कुछ इस टाइप का पैम्पलेट है जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। सो ये है मेरे पास एक स्ट्रिप और मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, मेरे अभी अपर लिप्स पे इतने हेयर आए नहीं हुए, बट फिर भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे बॉडी वैक्स भी कर सकते हैं, लाइक अपनी बिकनी लाइन, अंडर आर्म्स कर सकते हैं, फुल हैंड वैक्स कर सकते हैं, लेग वैक्स कर सकते हैं। एंड आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी सलाह मानो तो अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें सेंसिटिव वाली ही मंगाएं। तो इसे यूज़ करने से पहले कुछ इस टाइप में इसे अच्छे से रब करें।
सो मैं इसे कट कर लूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी। सो इसे मैंने इतना कट कर लिया है। और हाँ, आपको इसे ज्यादा टाइम तक अपने फेस पे लगाने के बाद रब नहीं करना है, लाइक आपको कुछ इस टाइम में एक बार करना है। और हाँ, आपके हेयर्स की अगर ऐसे ग्रोथ है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। सो मैं इसे अपने फेस पे आपको यूज करके दिखाऊंगी। सो गाइस, यू कैन सी जो जितने भी हेयर्स थे वो इस पे लग गए हैं। और ऐसा ही मैं अब इस साइड भी करूंगी। इसी तरह मैंने यहां से नहीं किया, मैं यहां से भी आपको करके दिखाऊंगी। मुझे काफी साफ साफ दिख रहा है, पूरा स्मूथ स्मूथ लग रहा है। और साथ में इसके आता है परफेक्ट फिनिश वाइप्स, जिससे कि जो स्टिकीनेस रह जाती है हमें इसे यूज करने के बाद, हम इसे साफ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो इसे हमें कुछ इस टाइप में यूज करना होता है। सो गाइज, मेरे जितने भी हेयर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं अपर लिप्स के, और हल्की सी रेडनेस है, वो तो नॉर्मल है, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। और इससे ज़्यादा पेन भी नहीं होता, आप इसे घर पर ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस वीक को यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो करीबन 20 से 25 डेज के बाद ही जो बाल है वो आना शुरू होंगे। और आप इसे आराम से अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आधों के चिन पे हेयर्स होते हैं तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। आधे लोगों के यहाँ पर भी हेयर्स होते हैं तो वो कैसे रिमूव करें उनका मैं बता देती हूँ। Like weed, आपने यहाँ पर यूज की जितनी आपको स्ट्रिप चाहिए है, आपने यू लगाया, देन उसको रब करें हल्का सा, ज्यादा टाइट से रब नहीं करना है, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे खींच लें आप, उससे आपके हेयर्स जो है वो काफी अच्छे से रिमूव होंगे। और इससे भी कहीं भी काला नहीं पड़ता। लाइक मैं इतने टाइम से फेस पे यूज कर रही हूँ, मेरे तो फेस कहीं से काला नहीं हुआ। सो गाइस, मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, अगर आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं तो आप इजिली घर पर ही अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। और इससे जो ग्रोथ है वो 20 से 25 डेज के बाद आती है। सो गाइस, अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना मेरी न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय गाइस, लव यू।